तो यार देखो, मैं आज बना रही हूँ मैगी। तो ये वाली मैगी मेरी फेवरेट है, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं अपनी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मैगी है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मैगी अगर आपने नहीं बनाई है तो ज़रूर इस टाइप से आप बनाइएगा, डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगी और ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको लंच में भी रखेंगे तो बिल्कुल इसमें इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना तो ये थिक होगी, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैगी मैं अपने अकेले के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ जो मैगी बड़ा वाला मैगी होता है इसमें दो पार्ट रहते हैं, तो मैं सिर्फ एक पार्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं अपने अकेले के लिए मैगी बना रही हूँ। अगर आप दो लोगों के लिए लेना चाहते तो आप ये पूरा पैकेट जो इसमें टू पीसेस रहते हैं आप ये ले सकते हैं। सो एक पार्ट हम मैगी का लेंगे और एक लेंगे मसाले का पैकेट, बाकी हम रख देंगे नेक्स्ट जो भी हम मैगी बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा, उसमें हम यूज़ कर लेंगे। और ये मैगी का जो इसमें थोड़ा सा ये चूरा टाइप का निकलता है ये भी हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैगी को उबालेंगे। तो उबालने के लिए मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। याद रहे कि मैगी को आपको उबलते पानी में ही डालना है। सो मैगी डाल देंगे, ठंडे पानी में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये टाइम लेगी पकने में। सो 3 से 4 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर इसलिए जिससे कि मैगी में जो कलर है हल्दी का वो लग जाए। बाद में आप डालेंगे तो उसमें हमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है, इसलिए हम पानी में ही हल्दी का कलर डालेंगे, हल्दी डालेंगे जिससे कि कलर आ जाए। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो नमक आप स्वाद अनुसार डालें क्योंकि मैगी मसाले में भी हल्का नमक रहता है। अगर आपके लिए उतना नमक परफेक्ट है तो आप इस स्टेज में मैगी में नमक बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वो मुझे कम लगता है, इसलिए मैं अभी नमक डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम हम मीडियम रख देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम मैगी को पकाएंगे। तो मैगी को ओवर कुक नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप उसे गला लें, वैसा नहीं करना है। मैगी को हल्का सा थोड़ा सा कच्चा रखना है, मतलब आप अगर इसे 100% पकाएंगे तो आपको इसको सिर्फ 70% पकाना है, 70%, जिससे कि क्या होगा कि मैगी बनाते टाइम पे हमारी चिपकेगी नहीं, तो ये मैगी थोड़ा सा क्रिस्प बनेगी नूडल्स। तो देखिए सिर्फ मैंने 5 मिनट उबाला है गैस बंद करने के बाद। एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम पानी निकाल देंगे, तो स्ट्रेनर के नीचे मैंने एक बोल रखा है जिसमें गर्म पानी निकल जाएगा। और ये देखिए मैंने सारी मैगी इस छन्नी में निकाल ली है। अब क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा मैगी को ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए मैगी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल इसे 100% नहीं उबाला था। तो आपको भी ऐसा ही करना है, अगर आप 100% उबालेंगे तो मैगी चिपकने लगेगी। अब इस मैगी में हम सिर्फ 4 चीज़ें डालेंगे, पहला तो चिली फ्लेक्स, दूसरा हरी मिर्च और तीसरा मूँगफली और चौथा मैगी मसाला। इसके अलावा हम इस रेसिपी में ना जीरा ना राई कुछ भी नहीं डालना है। एक पैन लेंगे, गैस में गर्म होने के लिए रख देंगे पैन को, डालेंगे ऑयल, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप नॉन स्टिक में भी ये बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। हम डालेंगे मूंगफली, तो गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम। अब मैगी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, इससे क्या होगा कि जो मैगी मसाला है और मैगी है वो जलेगी नहीं। तो मूँगफली को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मूंगफली मैंने थोड़ा ज़्यादा ली है क्योंकि इस रेसिपी में मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च डालने के बाद अच्छे से हम हरी मिर्च और मूंगफली को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मूंगफली को भी एकदम हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, काला नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए, सिर्फ इतना ही हम इसे भूनेंगे। मूंगफली भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला और चिली फ्लेक्स। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो मैगी मसाला जल जाएगा। और मैगी मसाला डालने के बाद तुरंत हम इसमें नूडल्स डालेंगे, जो हमारे मैगी है वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो 2 चम्मच की हेल्प से दोनों तरफ से उठा उठा के आप हेल्प कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको मिला लें। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाला जो मैगी है उसमें चारों तरफ अच्छे से लग चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैगी को तवे पर फैला दूँगी, तो मैगी तवे पे फैल जाएगी, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा नीचे से क्रिस्प बनेंगे, जो नूडल्स हैं वो हल्के से क्रिस्प हो जाएंगे। मुझे ये नूडल्स वैसे बहुत पसंद हैं इस तरीके से जैसे क्रिस्प बनते हैं, तो आप भी ये देख सकते हैं।
कि कैसे मैं इसको पलट पलट के दोनों तरफ से क्रिस्प कर रही हूँ, जिससे नूडल्स बहुत अच्छे बने। और ये नूडल्स आप टिफ़िन में भी अगर रख देंगे, 6 घंटे भी रखेंगे, तो ये नूडल्स में पानी नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी थिक नहीं होते हैं। तो आप इसे ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको मैगी खाने का मन है, तो आप इस टाइप से मैगी बना सकते हैं। सो तैयार है मैगी, और इसे सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।